गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे येस्टरडे आई सेंड यू अ होमवर्क और असाइनमेंट। टुडे आई विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दैट असाइनमेंट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट में, याद आ रहा है, और ये मैंने सेकंड दिया था। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बेटा, यू हैव टू डिटरमाइन I1, I2, I3 एंड I4। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ओके, देखो यहाँ कितना करंट एंटर कर रहा है, 15। इस पॉइंट के लिए 15 क्या है, इनकमिंग। तो आउटगोइंग भी कितना होगा, 15। 5 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 10। I1 सोल्व हो गया। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे 2 भी इनकमिंग है, 10 भी इनकमिंग है, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो आउटगोइंग भी कितना होगा, 12। ये आ जाएगा 12। ओके, अब आ जाओ इस पॉइंट पे, इनकमिंग कितना है, 12। इधर से भी 6 क्या है, इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, टोटल इनकमिंग कितना हो गया, 18। तो आउटगोइंग भी कितना होगा, 18। जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, बेसिक सा फंडा ये है। इधर से कितना आ रहा है, 5 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है, 18। ये भी इनकमिंग है, इस पॉइंट पे ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो उतना ही जाएगा। 18 + 5 कितना हो जाएगा बोलो, 23। तो ये हो जाएगा 23 एम्पियर। तो ये आपके I1, I2, I3 की वैल्यू है। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक सिंपल सा सर्किट गिवन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिया है, बेसिक के साथ साथ समझाने की कोशिश। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कल मैंने बताया था कि आप इसमें तो एक ही लूप बनेगा, A B C D अगेन A। तो कल हमने सेकंड लॉ में पढ़ाया था कि सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक बार इस पे साइन बनाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, हो गया। चलो बच्चों, बहुत अच्छे। मैंने बताया था करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा प्लस से माइनस। यहाँ भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो करंट हाई से लो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हाई से लो। बैटरी का माइनस प्लस तो सबको ही पता है, बैटरी के माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं है। करंट की डायरेक्शन बनाने के बाद हमें क्या करना है, बोलो क्या करना है, हमें बनाने हैं साइन। करंट की डायरेक्शन ये देख लेना, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो एक साइड हाई पोटेंशियल, इस साइड लो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस साइड हाई पोटेंशियल होगा और इस साइड पे लो पोटेंशियल होगा। हाई का मतलब पॉजिटिव, लो का मतलब नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग ना, वेरी गुड। नाउ वी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लो। वोल्टेज लो किसका नाम है, सेकेंड लो का नाम है। तो एक क्लोज लूप ले लेते हैं, कौन सा, ए बी सी डी ए, ये क्लोज लूप ले लें ऐसे। अब इसमें अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए से बी जाएंगे। तो जब ए से बी जाएंगे तो मैंने बताया था फाइनल साइन लेना है, ठीक है। तो ए से बी जाएंगे तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा -10। फिर बी से सी जाएंगे तो फाइनल क्या है, देखो बैटरी का तो लिखना होता है EMF 10, 20, 30 जो भी गिवन है, लेकिन रजिस्टर में क्या लिखना है आपको, I into R लिखना है। अब B से C जाएंगे तो फाइनल साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा I into R। I कितने, I और 5, तो 5 I हो जाएगा I into R। फिर C से D जाएंगे, पहले प्लस आएगा फिर माइनस, तो फाइनल साइन ले रहा है, फाइनल क्या है, माइनस I into R। I तो एक ही होगा, एक ही सर्किट है, तो I into 3, 3 I हो जाएगा। फिर जाएंगे बेटा डी से जाएंगे तो देखो पहले माइनस आएगा फिर बैटरी का प्लस, तो फाइनल प्लस 5 लेना है,
बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। अब हम जाएंगे यहाँ पे रजिस्टर में। फाइनल साइन क्या है? देखो जाना ऐसे ही है, लूप आप ऐसे लेते हैं, जैसे आप कंसीडर करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मूव करना है। अब हम जाने ऐसे, तो प्लस फिर माइनस, तो माइनस फाइनल आई इंटू आर, टू इंटू आई। आई कितना है? आई, और आर कितना है? टू। फिर बैटरी आ गई, पहले माइनस है बाद में प्लस, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यही था ना सेकंड लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज लूप ऑलवेज 0। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ होंगे, ईएमएफ किसका होगा? हमेशा बैटरी का होगा, ठीक है? और वोल्टेज किसका लिखेंगे? रजिस्टर के अक्रॉस आई इंटू आर। आई जो आपने कंसिडर किया वो इंटू में आर, लेकिन साइन के साथ लिख रहे हैं। अब बस हो जाएगा, सोल्व कर लो। आई देख लेते हैं, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस टू कितना हो गया? माइनस टेन आई। माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट माइनस टू माइनस टेन आई। चलो माइनस टेन प्लस का फाइव कितना हो गया? इनको ऐड कर लो, 20 और 5 25 और माइनस का 10 तो प्लस का 15 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। देखो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट हो गया और माइनस टू माइनस टेन आई। 20 और 5 25 माइनस का 10 प्लस 15 15 उधर चला जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल। आई इज इक्वल्स टू 15 बाई 10 3 बाई 2 एम्पियर। ठीक है बेटा, आ गया ना?